ये टायर है, टायर को पीछे बांध कर बहुत सारे साथी दौड़ते हैं, ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, आप ऐसे करके जंपिंग कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, SSC ET 2023 SSB का रनिंग कैसे करे, तो SSB हो, ITEP हो, CISF हो, 5 किलोमीटर सभी को करना, तो 5 किलोमीटर रनिंग को लेकर अभी 15 तारीख में आपका एग्जाम का रिजल्ट देगा, तो एग्जाम रिजल्ट होने के बाद आपका फिजिकल में बुलाया जाएगा, तो फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर रनिंग बहुत सारे साथियों कमेंट किया कि उसका ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है, तो प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए उसका ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बहुत सारे साथियों ऐसे भी हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस 5 किलोमीटर डेली करो साथियों और अपना रनिंग को चेंज करो, ठीक है, कुछ टिप्स आज दिखाऊंगा उसको आप डेली करके हमारा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के जगह आप 20 मिनट में 18 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके भाई आपके साथ है, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो एक बैग के जो आप भारी कुछ हीट वगैरह कुछ 2 या 3 kg डालकर जो रनिंग करेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा इंडियन आर्मी के रनिंग में भी फायदा होगा और रेल वर्क ग्रुप डी के रनिंग में भी वजन लेकर उसमें फायदा होगा, तो ऐसे आप कार्य करते हैं नहीं तो अपने घर पर आपका बड़ा जगह है तो ये इसका इस तरह से पीछा का इसे एक भारी ईट को स्पीड में बांध कर इसे भिस्टा कर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप थकेंगे नहीं, ऐसा करके एक्सरसाइज करें, देख रहे हैं इसे थोड़ा कर देता हूँ, ये हमारे बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, ठीक है, इसे आप करें 1-2 मिनट तक लगातार रनिंग आता जाता शुरू करें, इसे दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बढ़िया फायदा है, ये आप जरूर करें, 5 किलोमीटर का इसका तौर को बढ़ाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखो ये टायर है, टायर को पीछे बांध कर बहुत सारे साथी दौड़ते हैं, ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए, आप ऐसे करके जंपिंग कर सकते हैं, देखो ऐसे करके 1 मिनट तक आप जंप करें फिर रेस्ट करें, हाथ पैर को हिलाइए थोड़ा नॉर्मल भी करें, ऐसे फिर लेग का एक्सरसाइज ज्यादा करें, ऐसे ऐसे जाना वाला इसे 1 मिनट तक आप लगातार ऐसे करके चले, समझ रहे हो इसे लेग का क्या होगा, इसमें लेग का आपको स्ट्रेंथ हो जाएगा और आपका रनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेग आपका सिम पेंस नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे साथी होगा ऐसे भी होता है रनिंग करने के बाद लेग दर्द होता है, तो दर्द कम करने के लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है फिर इसे जंप करो नॉर्मल, ये जंपिंग आप 5 हीट रखें, जंपिंग करने से हमारा स्टैगर पावर और स्टाइमिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऐसे हीट को, एक हीट को रखो नहीं तो ये टायर है टायर को ही रख देता है, इसे आप टच करें, इधर थोड़ी दूर एक दाग दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसे आप कर सकते हैं 10 बार, 20 बार, 20 बार, फिर 10-12 सेकंड रेस्ट, फिर ऐसे करें, ऐसे ऐसे, ठीक है, अच्छा वीडियो लगी तो एक लाइक जरूर करना और इस जितने भी टिप्स है इसे डेली फॉलो करना और लेग का एक्सरसाइज ज़्यादा करना है इस तरह से, उठक बैठक भी करना लेग में, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन हमारा रिलीज होता है, ऐसे हमारा जो
रनिंग केबीसी है एक, इसे 10 रेप्स करें 3 से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर आओ इधर 100% सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बहुत धूप है, पसीना भी ज्यादा आ रहा है, और वीडियो नहीं करेंगे। आपको दुआ करता हूँ SSCET में आपका सपना पूरी हो। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगा ITBP का, जरूर देखने। जय हिंद साथियों, SSCET 2023 15 तारीख में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। तो अभी रिजल्ट के बाद आपको फिजिकल में टेस्ट, फिजिकल में 5 किलोमीटर 24 मिनट टाइम के अंदर आपको पूरी करना पड़ेगा। तो अभी आप तैयारी करते हैं, बहुत सारे साथियों का लेग दर्द होना शुरू हो जाता है थोड़ी रनिंग करने के बाद। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एक्सरसाइज करते हैं और लेग दर्द बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करें और फुल वीडियो देखें, इसमें पूरा आपको पता चल जाएगा कैसे आप 5 किलोमीटर रनिंग पूरी कर सकते हैं। ठीक है।